नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सबसे पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, लेकिन अब तक किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार नाकामयाब रही है। किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर एक लंबी बहस चली, जिसके बाद आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। तो अब शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता निकले, क्योंकि अब तक लगातार 22वां दिन लेकिन कोई हल नहीं। 22 दिन और किसानों का आंदोलन जारी है, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान ठंड में सड़कों पर डटे हैं, वहीं सरकार की ओर से भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। किसानों के आंदोलन के गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार लगातार माथापच्ची कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे, जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बढ़ाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग, वहां से बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल, कोर्ट का क्या वादा है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच की ओर से की गई सुनवाई में बहस हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है, क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नहीं, लॉ स्टूडेंट है। CJI ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। CJI ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? CJI ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब आज दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।